गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केमछो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हाँ, आज मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ यार। सुबह अलार्म ही नहीं सुनाई दिया मुझे ना। मतलब ये हुआ कि अलार्म कब बज गया, कब वो बंद हो गया, या मैंने बंद कर दिया, मुझे कुछ याद नहीं है। पर मैं आज बहुत लंबा सोया। पता नहीं, शायद कभी कभी क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है ना, वो खुद से रिकवर कर लेती है। जिसको आपकी स्लीप डिप्रिवेशन जो होता है, जो आप नींद नहीं ले पाते हैं, तो कभी मौका मिलता है तो हमारा शरीर जो है वो खुद से अपने आप को सेटअप कर लेता है कि हाँ भाई, उस मोड में लाके कि हाँ हम कंपनसेट कर लेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आज। आज मैं समझ लीजिए आपके कई महीनों के बाद मैं आज 8 घंटा सोया हूँ। कितना सोया हूँ मैं? 8 घंटा सोया हूँ कई महीनों के बाद। ठीक है, मतलब भी बीच में कोशिश किया, लेकिन क्या, जब आप कोशिश करते हो ना, तब जो है वो शायद आप 8 घंटे नहीं सो पाते हो। कि बाय डिफॉल्ट मेरी नींद सुबह जो है वो 5:30 AM मेरी नींद खुल जाती है रोज, है ना, चाहे मैं कितने बजे सो। आज पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ है ना। आज नींद मेरी खुली, यू विल बी सरप्राइज, 7:30 में सोकर उठा हूँ, 7:30 पर सोकर के। हालांकि मेरा पूरा शेड्यूल आगे पीछे हो गया इससे 1.5-2 घंटे से, लेकिन कोई बात नहीं। पर मन को अच्छा लगा, कभी कभी थोड़ा लंबा सोना चाहिए, उससे मन को भी अच्छा लगता है ना, ये मैंने महसूस किया, इसलिए बता रहा हूं। दूसरा आपको एक बात बताऊं मैं, कि एक मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, मैंने उसमें एक बड़ी पते की बात पढ़ी कि 19th century जो है वो, जो 19वीं सदी है वो बाकी पहले के जितनी भी समय निकला उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। क्योंकि इस समय कुछ ऐसे लोग जो है हमारे जो है वो ह्यूमन रेस में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट थे जिन लोगों ने जो है अज्ञानता को अपनाया। समझ रहे हैं आपको मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, कि इन लोगों ने अज्ञानता को अपनाया। मतलब इस बात को इन्होंने जो है वो स्वीकार किया कि हम लोगों को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, हम लोग अज्ञानी है, ज्यादा पता नहीं हम लोगों को, और पता लगाना जरूरी है। जैसे देखिए, कहते हैं कि 19th century से पहले की बात है, 17th century की बात करें हम, कि जो मैं 19th century बोल रहा हूं, मतलब मैं 18th century के आखिरी हिस्सा भी शामिल कर रहा हूं उसमें मैं। लेकिन जब मैं 16th, 17th, 15th century की बात करूं, तब यदि मान लो किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई प्रश्न उठता था, कोई डाउट हुआ करता था उसको कि ऐसा कैसे होता है, ये क्यों होता है, तो उसका उत्तर पाने के लिए उसको या तो पंडित के पास जाना पड़ता था। भाई वो जो आपके गांव के या शहर के जो पंडित जी है उनके पास जाइए, उनको पता होगा, वो अपना पोथी पत्रा निकालेंगे और बता देंगे आपको कि भैया ऐसा है, ये ग्रह है, ये नक्षत्र, ये देवता है, ये। या फिर आप अपने जो है वो जो आपके काजी होते हैं शहर के, उनके पास जाइए, जो जो मुस्लिमों के हेड होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, उनके पास जाइए। या आप जो है वो फादर के पास जाइए, चर्च में जाइए, आपको पादरी बताएंगे आपको कि क्या है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, कुरान में क्या लिखा हुआ है वो बताएंगे आपको, ठीक है ना। या हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में क्या लिखा हुआ है ये बताएंगे आपको। और हमें ऐसा लोग ऐसा मानकर चलते थे कि जो हमारे धर्म ग्रंथ है, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे ईसाई के हों, जो भी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है वो सब कुछ सही है और उनमें हर चीज का उत्तर दिया गया है। जैसे कि अब पर लोगों को लगता था कि यार हमको ये जानना है कि ये मकड़ी जो जाला बनाती है, जाला बनाने में क्या चीज यूज करती है, तो धर्म ग्रंथ बोलते थे ये फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है ना, मनुष्यता मानवता बड़े काम के लिए धरती पर अवतरित हुआ है, तो ये फालतू की चीजों में अपना समय खराब मत करो कि मकड़ी ने जाला निकालने के लिए कौन सी ग्लैंड यूज की, क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है इसका, तुम्हें करना क्या है, इससे क्या मानवता का भला होने वाला है। तो ऐसी बातों के लिए वहां पर जगह ही नहीं थी। पादरी डांट दिया करते थे, पंडित जी बोला करते थे कि यार ये भगवान की महिमा है, तुम ज्यादा ज्ञान मत लगाओ अपना, ठीक है। तो 18th और 19th century के पहले के जो लोग थे ना, वो उनकी जितने भी क्यूरियोसिटी थी, जो उनके दिमाग में क्वेश्चन उपजते थे, उन उपजे हुए क्वेश्चन का उत्तर कोई देता नहीं था और उनको जो है वो एक फुल स्टॉप लगा के नहीं, इसके आगे सोचना जो है ना वो व्यर्थ समय की बर्बादी है। लेकिन 18th और 19th century में जो है आदमी ने सोचा कि नहीं यार, ये जो लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में, मानता हूं कि वो आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अज्ञानी है, हमको कुछ जानना पड़ेगा। हमें तभी बहुत सारी बातें कि भाई आप देखो तो धरती को लेके, अर्थ को लेके कई सारे एक्सप्लोरेशन किए गए, कई सारी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया को खोजा गया, बहुत सारी चीजें जो है वो 18th और 19th century में हुई। 19th century में तो जो है वो इस तरह की खोजों का एक पूरा भीड़ लगा पड़ा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट सब ने अलग अलग, और बड़ी, चाहे वो डार्विन की बात कीजिए आप, ठीक है, या किसी की बात कीजिए आप, 19th, 20th century की बात करेंगे तो आप डार्विन से लेके कई सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बतलाया। फ्लेमिंग की बात कर लीजिए आप, एडवर्ड जनर की बात कर लीजिए आप, ये सब लोग जो है वो रिवेल थे ना, इनको लगता था कि नहीं, अभी भी
कुछ ऐसा है जो अज्ञान है और अज्ञानता को इन्होंने अपनाया। पहले के लोगों को इस बात में बड़ा बड़ा वो लगता था कि बड़ा मन में बुरा लगता था कि हम मनुष्य होकर अज्ञानी कैसे हो सकते हैं। हमारे पास तो लोग राज को जानते हैं, लोग बहुत सारे सीक्रेट जानते हैं, ऐसे लोग प्रेजेंट हैं, पढ़े लिखे पंडित हैं, पढ़े लिखे जो है वो काजी, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग प्रेजेंट हैं। तो पहले के लोग जो है वो अपने उनके अंदर एक तरह का ऐसी भाव था कि नहीं अज्ञानी नहीं है, सब लिखा हुआ सब है हमारे पास। उसके बाद के लोगों ने ये माना कि नहीं हम अज्ञानी है, और वो अज्ञानता को दूर करने के चक्कर में इतनी सारी खोज हो गई। जैसे 20th सेंचुरी के आसपास जो है वो साइंटिस्ट जो है वो उन्होंने एक बात को जान लिया था, उन्होंने 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी की शुरुआत की बात है कि इसके पहले लोग ये मानते थे कि जो मृत्यु है, जो डेथ है, डेथ जो है वो बेसिकली जो है वो एक व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु तो होगी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये कि हर व्यक्ति अपने अपना समय काल लिखवा के लाया हुआ है कि इतने समय वो जीवित रहेगा, लिखवा के लाया हुआ है। तीसरी बात ये है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। नॉर्स सभ्यता की बात करें, हम नॉर्वे की बात करें तो बोलते थे कि आपकी मरने के बाद आदमी वलहला जाएगा, या युद्ध क्षेत्र में आदमी मरेगा तो वलहला जाएगा, उठ के वहां पे गॉड मिलेंगे, ओडिन मिलेंगे उसको, ये मिलेगा के। तो नॉर्स कल्चर की बात करें हम, चाहे हिंदू कल्चर की बात करें हम, किसी की बात, लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी कुछ जीवन है, कुछ आत्माएं हैं, कुछ सोल हैं, ये सब चीजों को मनुष्य को बतलाया गया। क्योंकि क्या होता था कि पहले डेथ रेट इतना अधिक था, छोटे बच्चे की डेथ हो गई, घर में परिवार में किसी की डेथ हो गई, मतलब डेथ इतना था कि जो है वो 25-30 साल 35 साल मतलब ये बड़ी उम्र मानते थे। तो मृत्यु इतनी प्रीवेलेंट थी पहले, बीमारियों से कोई इलाज नहीं था, कुछ नहीं था, तो उसके चलते जो है क्योंकि आदमी तो मानसिक तौर पर बहुत डिस्टर्ब रहेगा अपने नियर एंड डियर वन की डेथ होने पे, तो ऐसी बहुत सारी कहानियों को गढ़ा गया, बताया गया कि भाई लाइफ आफ्टर डेथ के बाद ऐसी लाइफ होती है, वैसा होता है, वो तो बहुत खुश है, वो आएंगे इस स्थिति पे आएंगे, वो ऐसा होगा वैसा, तो आदमी को वो साइकोलॉजिकल इतना नहीं ठीक है, मृत्यु के बाद भी जीवन है, मतलब वो एक मानसिक संतोष में रहा करता था। वैज्ञानिकों को ये बात बिल्कुल नहीं जमी, उनको लगा कि डेथ इज अ टेक्निकल डिफॉल्ट। आज भी साइंटिस्ट कहते हैं कि डेथ इज अ टेक्निकल डिफॉल्ट, कि हम जो है वो तकनीकी खराबियों को दूर कर दे तो हमारी उम्र बढ़ सकती है। अमर होना एक अलग बात है। वो कहते हैं कि जैसे मान लो कोई आदमी है एकदम हेल्दी है पर उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो कैसे बचा पाएंगे? तब तो उसका मान लो बॉडी पार्ट में डैमेज हो गया, कुछ इंस्टेंट डैमेज हो गया, गोली लग गया उसको, तो मुश्किल बात है। लेकिन वो कहते हैं कि प्राकृतिक आयु का बढ़ना, नेचुरल कंडीशन में ऑर्गन्स का फेल कर जाना, ये टेक्निकल डिफॉल्ट है कि समय के साथ साथ हमारी बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड कर रही है और हम इसको ट्यून अप कर सकते हैं। आज दुनिया भर में कई सारे साइंटिस्ट जो है वो कैंसर के लिए वैक्सीन को बना रहे हैं, वे स्टेम सेल से ऑर्गन रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी को लीवर का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो हम ऑर्गन ही बदल देंगे। टेक्निकलिटी को रिजोल्व करने की कोशिश करके, टेक्निकल डिफिकल्टीज को रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और नैनोबॉट्स हमारे बॉडी में, जैसे हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं ऐसे ही वो एक नैनोबॉट स्टेशन शरीर में लगा देंगे, शरीर में एक नैनोबॉट स्टेशन लगा देंगे। और वो नैनोबॉट स्टेशन क्या होगा, वो आपके उसके उसमें बारीक बारीक रोबोट्स होंगे जो आपकी सेल्स के बराबर साइज के होंगे, आरबीसी के बराबर साइज के होंगे, वो लगातार ब्लड में घूमते रहेंगे, जहां भी उनको एबनॉर्मलिटी दिखेगी तो उस सेल को वो टैग कर देंगे कि ये एबनॉर्मल सेल है और बाकी नैनो रोबोट्स आके उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कैंसर को बनने के साथ ही वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कैंसर से का इलाज नैनो टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। हार्ट में कोई आर्टरी में दी ब्लॉकेज आ रहा है तो उस ब्लॉकेज को नैनो रोबोट जाएंगे और साफ कर देंगे उसको। डेली रिपोर्टिंग होगा उसका, आपकी बॉडी के बाहर डेली रिपोर्टिंग हो रहा होगा कि आज नैनो रोबोट्स ने क्या किया आपकी बॉडी में, आज नैनोबोट्स ने ये कर आए, आज नैनोबोट्स ने किडनी के अंदर वो आर्टरी बंद पड़ रही थी उसको साफ करके आए, आज नैनोबोट्स हार्ट के अंदर सफाई करके आए, आज नैनोबोट्स जो है वो लीवर के ऊपर का फैट का लेयर निकाल के आए। मतलब नैनोबोट्स जो है वो भविष्य। आज हमको लग रहा है कि क्या ये वाकई पॉसिबल होगा, शायद 22nd ऑफ सेंचुरी में नैनोबोट्स हम सभी ह्यूमन बींग्स की बॉडी में इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। जन्म लेते ही जो है एक नैनोबोट स्टेशन जो है बॉडी में सेट कर देंगे वो, कि भाई ध्यान रखना आदमी का, कोई इन्फेक्शन आया तो बाहर सूचना देना। एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल होगा, उस इलेक्ट्रॉनिक पैनल पर जो है डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। आज जो लग्जरी कार होती है, कार में क्या पुर्जा खराब है तो कार को पूरा खोलना नहीं पड़ता है, कार में
दो सेंसर लगे, दोनों सेंसर को आप कनेक्ट करते हो कंप्यूटर पे, कार के पूरे इंजन की रिपोर्ट आती है। आज मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू जैसी बड़ी कारें होती हैं, इन कारों को पूरा खोलना नहीं पड़ता देखने के लिए, इनमें कंप्यूटराइज सेंसर लगे हुए हैं। उस सेंसर को आप टच करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक पैनल पर पूरा रिपोर्ट की कार्बोरेटर का लेवल कितना है, ऑयल का लेवल कितना, सारी रिपोर्ट सामने कंप्यूटर पर पॉपअप हो जाती है, जनरेट आती है। ऐसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे, भविष्य के डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपके नैनोबोट की रिपोर्ट को जो है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने पास ले लेगा, बोलेगा हाँ भाई ये सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समय, क्योंकि अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी भी बहुत गुंजाइश है, और मैं कहता हूं अज्ञानता ज्ञान पाने की पहली सीढ़ी है। यदि आप अज्ञानी बने रहेंगे, आप लगातार जो ये मानकर चलेंगे आप कि आपको नहीं आता है, तो आप सीखने की कोशिश करेंगे। मैं अमर सर को कई बार बोलता हूं कि सर बच्चे फिजिक्स में इतना डरते क्यों हैं, तो उनका बोलना है कि फिजिक्स में नंबर एक तो वो तो मेहनत करना नहीं चाहते, नंबर दो ये कि कई बच्चों को लगता है कि उन्हें आता है और वो पढ़ लिए हैं तो वो आता है के चक्कर में वो सिंपल फॉर्मूले की प्रैक्टिस नहीं करते, सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते। जब सिंपल सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो धीमे धीमे कठिन क्वेश्चन बनेंगे, धीमे धीमे कठिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आपको और कठिन क्वेश्चन बनेंगे। तो कहने का मतलब ये कि आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको कुछ चीजें नहीं आती है, जहां आपको लगता है कि आपको सर्वस के सब चीजें आती हैं, वहां पे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वहां पर आप सीखना बंद हो जाते हैं। भरे हुए लोटे में और पानी नहीं भर सकते आप, इसलिए खाली रखना भी जरूरी है। मैं देखता हूँ आजकल कुछ बच्चे ऐसे जो मैं कुछ बोलता हूँ या कुछ कुछ कमेंट करता हूँ उस पर वो लिख के भेजते हैं मैसेज में, आई एम नॉट एग्री विथ यू सर, सर आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड बाय योर व्यूज। अरे भाई मेरे व्यू हैं, तुम डिसअपॉइंटेड हो, तुम एग्री नहीं हो, तो तुम्हें पूरा अधिकार है एग्री ना होने का, लेकिन ब्रॉडर परस्पेक्टिव में जब आप देखेंगे तो आप उन चीजों को प्रैक्टिकलिटी में देखिए जो मैं आपसे कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आप एग्री या डिसएग्री होना वो आपके ऊपर निर्भर करता है, और आप यदि मेरी अक्सर कई बातों से डिसएग्री होते हैं, इसका मतलब आप मुझे जानते नहीं है। आपके अंदर वो कमांडो वाला कोर एसेंस है ना, जो मैं डे वन से अपनी क्लास में बच्चों में डालता चलता हूं। बायोमेंटर्स ने हजारों की संख्या में मेडिकल सिलेक्शन दिए, लेकिन बायोमेंटर्स ने उससे भी कई गुना अधिक संख्या में अच्छे नागरिक उत्पन्न किए, गुड सिटीजन्स who are sensitive towards their surroundings, अपनी surrounding के लिए sensitive हो, कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग उत्पन्न किए। आज भी मुझे मैसेज मिलता है, सर मैंने ये एग्जाम निकाल लिया, सर मैंने वो एग्जाम निकाल लिया, मैं जिक्र ही नहीं करता। अभी हाल ही में कोई जो है वो कहीं का पीएससी के टॉप किया, शायद मुझे लगता है राजस्थान का कहीं का पीएससी जो है वो किसी बच्चे ने टॉप किया, उसने बोला सर मैंने मेरा सब्जेक्ट ये था, मैंने आपके लेक्चर देखे। मैंने किसी ने बताया कि मेरा सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स है, लेकिन मैं मोटिवेशन के लिए आपके लेक्चर देख रहा था सर। मैं कुछ बच्चे क्लिप काट के डालते हैं, वो क्लिप देखा करता था मैं आपके। तो सूर्य की किरणें होती भाई, उसका कौन क्या है, कोई बोलता है सूर्य जलाता है, कोई कहता है सूर्य से मैं सहमत नहीं हूं, उससे मुझे आग लग जाती है, कोई कहता है सूर्य से ही तो जीवन चल रहा है। सबके अपने अपने परसेप्शन है। खैर, तो आज मैं लेट हो गया, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कल से समय पर आने की। और पर सोने में बड़ा मजा आता है, कभी कभी 8 घंटे सो के देखना। ठीक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।